दस दईए कि कोरोना काल के मुड़ तो सख्ती है और आज तो पंजाब के करफ्यू लगेगा, नाइट करफ्यू लगेगा। वड्डी खबर, कोरोना काल मुड़ तो सख्ती नज़र आई है, आज तो पंजाब के नाइट करफ्यू लगेगा। नाइट करफ्यू लगेगा रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक, यह नाइट करफ्यू लगेगा। सो आखिरकार किस तरह के नाल फर्क पैन वाला है और किस तरह के नाल जिहड़ा अज तो यह करफ्यू का असर वेखण नूं मिलेगा, सिद्धा चलदे आ मोगा गुरदेव पामे साडे नाल। गुरदेव, जानना चाहवांगे अज तो करफ्यू जिहड़ा नाइट का वह लगा दिता गया, की कहोगे? बिल्कुल गुरजोत, गल की है कि 22 मार्च तो एक लॉकडाउन, वड्डा लॉकडाउन लाया गया सी। उस तो बाद एक महामारी फैली पूरे वर्ल्ड दे विच, काफ़ी नुकसान किया गया। तो पंजाब सरकार ने कहा कि कोरोना काल दे विच जिहड़ा कि सितंबर ते जनवरी भी महीने काफ़ी पीक होगा, तो पंजाब सरकार वालों अज तो नाइट करफ्यू लाया गया। 10 तो 5 बजे तक रात को करफ्यू लगेगा। तो मास्क पहन की जो फीस सी 500 तो 1000 रुपये की गई है। आम लोग दुकानदार की सोचते हैं, दुकान में गल करते उस बारे की कहना? मेरा नाम जी बोलदा। दुकानदार की सोचते, करफ्यू लग रहा रात नाइट करफ्यू, कोरोना महामारी देखते हुए कैसे सोच रहे? अभी ये कहने भी जो रात का करफ्यू है, इवें दिन का करफ्यू लाया जाए। 10 बजे दुकाना खुलन, 6 बजे शाम को बंद हो जाए, अंडे बिल्कुल क्लोज कर दें, ये महामारी तो बचा जाए। तो जिहड़े प्रशासन ने कानून कायदे जारी किए हैं जी, मास्क की गल की जाए, मास्क जो 500 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये किया, जुर्माने वधाए गए, लोग सचेत होंगे? लोगों का 2000 कहना चाहिए, हटना ही नहीं इन्होंने। ये साढ़े लोग जोड़े है ये पालना नहीं कर रहे, यहाँ 1000 2000 करना चाहिए। बिल्कुल 2000 भी करना चाहिए, उन्होंने यही क्या दुकानदार की लॉकडाउन लग जाए, वधिया गल है। जिवें मास्क लाउण दी गल कही गई आ, मास्क पहिणा जावे, जे 2000 रुपए 1000 रुपए जुर्माना किया गया, इह पहिलां 500 हुंदा सी, किवें देखदे तुसीं? नहीं ठीक है, लोग सुधरनगे आई। दुकानदार भी ने कि उन्होंने कहना कि मास्क लाना कितना जरूरी हो चुका, 2000 रुपए जुर्माना पाएगा, नहीं जे ना लाएगा तो अज लॉकडाउन भी लाने की गल कही है। तो बिल्कुल, खास तौर पर अगर गल की जाए तो कुछ लोगों जिन्हें गलबात की गई है तो उस जानकारी लोगों के वलों उन्होंने कहना है कि सख्ती होनी चाहिए है और जो लॉकडाउन है वह भी लगना चाहिए है, कुछ लोगों का कहना। और मास्क पे तौर पर मैं कहना कि किस तरह पिछले समय सरकार वालों हिदायत दी गई कि कोरोना के चलते जड़िया सावधानियां जड़िया वरतनिया है, बिल्कुल लोग जो अवेयर भी हो चुके थे, हुण फिर लगातार जिहड़े कोरोना के जिहड़े मामले जिहड़े आ उह वधदे नज़र आ रहे हैगे ने। सरकारां दुबारा तो फिर सख्त हो रही हैगी, जिस तरह अज 10 तो 5 बजे तक जिहड़ा नाइट करफ्यू जिहड़ा लगना हैगा शुरू हो रहा हैगा। और पठानकोट पुलिस प्रशासन वालों अहीं दस देणा चाहुंदे हां कि पुलिस प्रशासन वालों पूरी सख्ती की जा रही है, जिहड़े लोग मास्क नहीं पा रहे हैगे जां सोशल डिस्टेंस जिहड़ा ध्यान नहीं रखते पे, उन्हां ते बिल्कुल सख्ती नाल कार्रवाई की जा रही है, उन्हां दे बिल्कुल चलान भी जिहड़े उह कट्टे जा रहे हैगे ने। लेकिन सरकार सख्त हो गई है, कोरोना की जी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, आज तो 10 तो 5 बजे का नाइट करफ्यू जो लग रहा है उसके चलते जिस तरह रात होटल कारोबारी है, दुकानदार है, जे पैलेस है, इन्होंने बिल्कुल जरूर इन चीज़ों का असर भी पेगा। लेकिन कोरोना तो अगर बचना है तो सानू जी हिदायत जिस सरकार वालों दी जा रही है उन्होंने पालन करना जरूरी होगा जी। गुरजोत जी, बिल्कुल साफ तौर पर अगर गल की जाए तो काफ़ी असर पैन वाला हैगा। और 1000 रुपए के जुर्माने को किवें वेख पा रहे हैं असीं मास्क दे? गुरप्रीत जी, गुरजोत जिस तरह पुलिस प्रशासन वालों हुण भी 500 रुपए का जो जुर्माना जो किया जा रहा लोगों वालों, बिल्कुल उसके लिए भी किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हैगा, जो 500 रुपए का जुर्माना जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कोरोना की संख्या जिस तरह लगातार बढ़ रही हैगी, बिल्कुल सरकार सख्त बिल्कुल हो गई ता ही कोरोना से जरा काबू पाया जा सकता। जिस तरह 1000 रुपए का जुर्माना जरा जो सरकार वालों जो किया गया, पंजाब सरकार वालों जो किया जा रहा है, बिल्कुल इस लोग जो अवेयर भी हो गए, जो एक डर है उन्होंने प्रति जरा
ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ।